अरे बहू, अभी तक तैयार नहीं हुई, जल्दी करो, मेरी किटी की सारी फ्रेंड्स आने वाली होंगी। जी माँ जी, आ गई। अरे मैंने तुम्हें तैयार होने के लिए कहा था, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। मम्मी जी, मैं तैयार होकर ही आई हूँ। क्या ये तैयार होकर आई हो? अरे इससे अच्छे कपड़े तो हमारी काम वाली पहनती है। मम्मी जी, मैं नए कपड़े पहन के आई हूँ, और इन कपड़ों में बुराई क्या है? अच्छा, तुम पूछ रही हो कि इसमें बुराई क्या है। पता है, जब मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ किटी में जाती हूँ ना, तो उनकी सारी बहुएं सब इतने टॉप क्लास कपड़े पहनकर तैयार होती हैं। तुम मेरी नाक कटवा के रखोगे मेरी फ्रेंड्स के सामने, क्या सोचेंगी वो लोग भी। पता नहीं किस गरीब घर की बहू ले आई हूँ मैं। मम्मी जी, आप ऐसे तो मत कहिए, मैं आपके कहने पे ही तैयार होके आई हूँ। अगर आपको कपड़े चेंज कराने हैं तो कोई बात नहीं, मैं कपड़े बदल के आ जाती हूँ। वैसे भी मेरी मम्मी ने मुझे शादी में बहुत अच्छे कपड़े दिलाए थे। जानती हूँ कितने अच्छे कपड़े दिए हैं। अरे अगर हमें दहेज नहीं दे सकते थे तो कम से कम अपनी लड़की को तो अच्छी ज्वेलरी और ब्रांडेड कपड़े दे देते। लेकिन नहीं, देने की भी क्या जरूरत थी, पता था ना अमीर ससुराल में जा रही है, वही दिलवा देंगे। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। अच्छा, अब तुम मुझसे इस बात पर बहस करोगी? जाओ जाकर कपड़े चेंज कर कराओ, और वही कपड़े पहनना जो अच्छे वाले मैंने तुम्हें दिलवाए थे। जी मम्मी जी। ये अचानक इतनी गर्मी कैसे हो गई? एसी किसने बंद किया है? मम्मी जी, मैंने बंद किया है, वो एक्चुअली मुझे एसी में ठंड लग रही थी। बहू, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये ड्रामा कभी वो ड्रामा। तुमने ये लग्जरी चीज़ें देखी हो तब ना, जिसने सारी ज़िंदगी एक पंखे में गुजारी हो उसको एसी का क्या पता। चलो जाओ, मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आओ। जी माँ जी, मैं लाती हूँ। ये लीजिए माँ जी पानी। ओ वाह मम्मी, ये देखो कितना सुंदर कलेक्शन है, मैं तो अभी ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, एक मैं भी अपने लिए ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, अरे क्या भाभी, दिन भर काम करती रहती हूँ, इधर आओ ना, ये देखो ड्रेसेस कितने सुंदर लग रही हैं, आपके लिए ऑर्डर करूँ? आप पे बहुत अच्छी लगेगी। नहीं नहीं हेमू, ये तो बहुत महंगा है, वैसे भी मार्केट में तो सस्ती सस्ती ड्रेसेस मिल जाती है, वहीं से ले लूँगी। क्या इसकी प्रॉब्लम क्या है? ये तुम अपनी लो क्लास सोचना मेरे सामने मत दिखाया करो। मम्मी जी, मैंने गलती क्या कहा है, मैं तो फालतू खर्चे बचा रही हूँ ना। ओह गॉड, मैंने कैसे इसको अपनी बहू बना लिया। कोई बात नहीं मम्मी, चलो ना हम लोग पास के मॉल चलते हैं घूमने। हाँ ये ठीक रहेगा, थोड़ा बाहर निकलेंगे ना, दिमाग भी फ्रेश होगा। तुम गाड़ी निकालो, मैं जरा अभी आती हूँ। लेकिन मम्मी जी, मॉल तो पास में ही है ना, हम लोग तो पैदल जा सकते हैं, गाड़ी की क्या जरूरत है। ओफो, मैं तो परेशान हो गई हूँ, पता नहीं कहाँ से इसको मैं अपनी बहू बना के ले आई। अरे माना कि तुम गरीब घर से हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें ससुराल के हिसाब से रहना चाहिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि अब तुम्हें हमारे लेवल के हिसाब से मेंटेन करके रहना चाहिए। मम्मी जी, आप जो बोलती हैं मैं वो करती हूँ, मैं घर का सारा काम करती हूँ बिना किसी सवाल जवाब के, आपके एक इशारे पे आपकी हर बात मानती हूँ, और तो आपसे कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करती, उसके बावजूद भी आप मुझसे संतुष्ट नहीं हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और रही बात रिश्ते की, तो रिश्ता लेकर आप हमारे घर पे आई थी, आपको हमारे घर के बारे में सब कुछ पता था कि हमारा कैसा बैकग्राउंड है, हमारी कितनी इनकम है और हम कितने गरीब हैं, उसके बावजूद भी आपने हमारे घर में रिश्ता किया। क्यों किया था आपने रिश्ता? अरे मैंने तो सोचा था कि बेचारी का भला हो जाएगा, वो तो शुक्र मानो कि हमने शादी के लिए हाँ कर दी, वरना अभी तक सड़ती रहती उसी गरीबी में। और मैंने सोचा था कि शादी के बाद ये सुधर जाएगी, लेकिन नहीं, तुम्हारी सोच तो वही की वही रही ना, लो क्लास। मम्मी जी, आप भूलिए मत, आपकी भी बेटी है और इसकी भी कल को शादी होगी, अगर इसके ससुराल वालों ने भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जैसा आप मेरे साथ कर रही हैं तो आपको अच्छा लगेगा? बोलिए, चुप क्यों है? हाँ मम्मी, भाभी एकदम ठीक बोल रही है, ये महंगे कपड़े पहनने से, महंगी ज्वेलरी पहनने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि फर्क पड़ता है इंसानों के गुणों से, उसके संस्कारों से। हाँ मम्मी, भले ही मेरे माँ बाप ने मुझे दिखावटी और महंगी चीज़ें नहीं दिलाई है, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे सबसे महंगी चीज़ें जो दी है वो दिए संस्कार। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए, मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए और सबको एक बराबर समझना चाहिए। लेकिन आप ये सब कहाँ समझेंगी, आप तो इस झूठी शान में और दिखावटी दुनिया में मस्त है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, मुझे माफ़ कर देना, दरअसल मैं दिखावे और महंगी चीज़ों की चकाचौंध में अंधी हो गई थी। कोई बात नहीं माँ जी, आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए, पर आप कभी भी किसी गरीब की गरीबी पे मजाक मत उड़ाना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू।
जल्दी से इस वीडियो का सही मॉडल कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट कीजिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें जो मैसेज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक को फॉलो करें। हमेशा से मुस्कुराते रहे, खुश रहे। थैंक यू।